आज की वीडियो सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर व जो है छोटे मोटे जो क्लिनिक वगैरह चला रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने क्लिनिक में मरीजों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 10 कस्टमर आते हैं तो गारंटी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपके शॉप पर 12 कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, 2-4 मिनट की टाइम लगने वाली है। अगर आप 2-4 मिनट लगा देते हैं तो आपके अगर 2-4-10 हज़ार फायदा हो जाता है तो क्या बुराई है। तो 2-3 मिनट की टाइम निकाल कर बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया है कस्टमर रिलेशनशिप। कोई भी कस्टमर आपके जो है दुकान पर आता है, आपके क्लिनिक पर आता है, तो आपकी ही क्लिनिक होगी जाहिर सी बात है, तो उससे जो है रिलेशनशिप बिल्ड करें, मरीज से प्रेम से बात करें, बहुत ही प्रेम से पूछें और भैया कैसे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करवाओ, इंजेक्शन लगवाओ, 70 प्रकार के बकवास जो है बोलना है आपको। लेकिन करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके प्रेम से बोलना है। ये नहीं कि मरीज आया, क्या है, क्या चाहिए, बताओ, हैं, डांट डांट के बोलो तो उसके बाद वो भाग जाएगा, दोबारा आएगा भी नहीं और 2-4 कस्टमर और आपका जो है बिगाड़ेगा। यहाँ देखिए डांटे नहीं, जैसा कि अभी हम एग्जांपल दे चुके हैं, और एग्जांपल के साथ अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अभी से कर दें, क्योंकि जाते समय आप भूल जाते हो और हम भी भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते हैं लेकिन आप भूल जाते हो, ओके। यहाँ देखिए लिखा गया है शॉप मार्केटिंग। ये जो शॉप की मार्केटिंग है ये भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है आपकी शॉप में जो है मरीजों के बढ़ने की। जैसे कि क्लिनिक के बाहर अच्छा बोर्ड लगवाएं, आप अपने क्लिनिक के बाहर एक अच्छा सा बढ़िया सा बोर्ड लगवा दें जिससे वो जो है दूर से दिखाई दे, हाँ कि फला क्लिनिक यहाँ पे स्थापित है, ओके, जिससे दूर से पता चल सके। जैसा कि अभी हम बता ही दिए, बाहर कुछ क्रीम इत्यादि का पोस्टर लगाएं, मतलब बाहर कुछ क्रीम का पोस्टर लगा दें, मतलब कुछ दवाइयों का पोस्टर लगा दें, या तो फिर मतलब प्रचार वगैरह वाले आते हैं तो दवाइयों का पोस्टर वगैरह लगवा दें जिससे लोगों को देखने पर लगे हाँ भाई यहाँ जो है मेडिकल है, यहाँ क्लिनिक है, तो आपके क्लिनिक पर जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होंगे तो आएंगे। आप अपने क्लिनिक में साफ़ सफाई बरतें, शीशा वगैरह लगवा करके प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से रखें, हर एक प्रकार की चीज़ें जो है क्लीन होनी चाहिए, कुछ भी फालतू का आइटम आपके क्लिनिक में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में जो है मरीज आपके क्लिनिक में बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है जो दिखता है वही बिकता है, आज के दब जमाने का ही जो है ट्रेंड चलता है, ओके। बात कर रहे हैं जो है कस्टमर नीड के बारे में। यहाँ देखिए लिखा है कस्टमर जो मेडिसिन चाहता है उसको उसी नाम से दें। काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, कस्टमर मांगने आया जो है एमॉक्सिसिलिन, ओके, एलमॉक्स नाम से मांगने आया, आप उसको जो है सिपमॉक्स वगैरह सब थमा रहे हैं, नोवामॉक्स थमा रहे हैं, तो कैसे लिखा जाएगा भाई, वो एलमॉक्स मांग रहा है उसको आप एलमॉक्स दें। हम जानते हैं कि उसमें एमॉक्सिसिलिन पाया जाता है, आप जानते हैं उसमें एमॉक्सिसिलिन पाया जाता है, लेकिन कस्टमर क्या जाने उसमें एमॉक्सिसिलिन पाया जाता है। कस्टमर तो पत्ता देखेगा हाँ ऐसे रंग बिरंगा ऐसे है, यहाँ लाल है, यहाँ काला है, कंफ्यूज हो जाएगा वो और दोबारा आपकी दुकान पे कभी नहीं आएगा। जो दवा मांग रहा है उसको दें, अगर वो नहीं है कह दीजिए भैया जी नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है, 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगा, अगर आपकी इच्छा तो 2-3 दिन बाद लीजिए, या फिर अगर आप ऐसा बोल देंगे कि 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगा तो अगली बार वो जो है आपके क्लिनिक पर आएगा, आपके मेडिकल पर आएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है क्रॉस सेलिंग, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रिलेट करें। सपोज करो जो है कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट लेने आया, उसको ले लिया, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है आप उसको भी बेचने की कोशिश करें, ओके। सपोज करो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, सपोज करो कोई जो है ताकत की बोतल लिया, ठीक है, कोई जो है ताकत की बोतल सपोज करो डेक्सोरेंज लेकर जा रहा है, तो आप उसके साथ जो है आप रिलेट कर दें एक प्रोडक्ट को, जैसे कि बॉडी प्लस कोई भी MBI कैप्सूल आप रिलेट कर दें, मतलब कहिए कि आप इसके साथ में अगर इसको खाते हैं तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहेगा, ये जो है 4 चांद लगा देगा और अधिकतर लोगों के चांस रहेंगे, अगर आपके बोलने का बात करने का तरीका अच्छा है तो चांस रहेगा ये जो टॉनिक ले रहा था इसके साथ में वो जो है कैप्सूल भी ले लेगा, इससे आपकी सेलिंग बढ़ेगी, थोड़ा सा कमाई इंक्रीज होगी। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब करें, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आप भागना सोच रहे हो तो भागोगे, नुकसान आपका है हमारा नहीं है, क्लियर हुआ इतने पॉइंट। अब देखिए यहाँ एक और पॉइंट है अपसेलिंग, क्लियर बात है
यहाँ देखिए कस्टमर के बजट से थोड़ा ऊपर वाले प्रोजेक्ट सजेस्ट करें। मतलब जो भी कस्टमर आपके पास आता है, सपोज करो उसके जो है कोई टॉनिक वो मांग रहा है, वो टॉनिक जो है 150 की है, लेकिन आप सोच रहे हैं थोड़ा सा और पैसा मिल जाए तो 200 वाली टॉनिक बिक जाए, तो उसको बोलिए ये जो 200 की टॉनिक है ये जो है इससे बेहतरीन रिस्पांस देती है, सिर्फ आप 50 रुपया और बढ़ाएंगे इसका जो है 3 गुना 4 गुना काम करेगी। ओके, इस वाले टॉनिक से 3-4 गुना काम ये 200 वाली करेगी। ऐसा अगर आप उसको सजेस्ट करते हैं तो कुछ चांस हैं जहाँ आप 10 कस्टमर को सजेस्ट करेंगे, 50 कस्टमर को सजेस्ट करेंगे, उसमें एक आध कस्टमर तो ले ही लेगा। तो जो है अगर जो भी ये 200 वाला प्रोडक्ट लेता है, आप उसको 150 वाला दे रहे थे या फिर वो 150 वाला मांग रहा था, लेकिन आप उनको जो है सजेस्ट किए 200 वाला लेने के लिए, तो एक आध दो लोग अगर ले लेंगे तो आपकी जो है बिक्री इंक्रीज होगी, आपकी कमाई इंक्रीज होगी, और कमाई इंक्रीज होने के साथ आप थोड़ी सी मेरी भी कमाई करा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही तो, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना कौन जानता है। ओके, बाय, सी यू।